हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित कुमार और आप सबों को आज फर्स्ट वीडियो में FL स्टूडियो का फर्स्ट वीडियो में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं कैसा है। ठीक है, जब हम पहली बार जब इंस्टॉल करेंगे तो कुछ इस तरीका से दिखता है। ठीक है, क्योंकि मैं इंस्टॉल नहीं किया हूँ बट डायरेक्टली दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से दिखेगा आप लोग को। ठीक है, तो कुछ अगर नए होंगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा होगा, बट जो अगर सीख लिए होंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप वहाँ पर समझ सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स कुछ ही तरीके से दिखता है। तो ये मेरा रहता है क्या चीज़ का, चैनल रैक का, जस्ट लाइक जहाँ पे हम बीट क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो ये तो मेरा चैनल रैक का, इसका भी कोई काम नहीं है क्योंकि अभी मैं स्टार्टिंग कर रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, ऊपर तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं हिंट पैनल। ठीक है, मैं थोड़ा सा जूम करने की कोशिश करता हूँ। ठीक ना, तो शायद दिखेगा। चलिए इधर आ जाए। चलिए यहाँ पे देख सकते हैं जूम पैनल दिख रहा है, यानी सॉरी हिंट पैनल। ठीक है, तो जिसलिए हम जहाँ पे लेके जाएंगे वहाँ पे वो वहाँ पे दिखाते रहेगा कि मतलब क्या है, मतलब जिसले एक हिंट्स देने के लिए कि आप लोगों को थोड़ा सा कोई प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है, तो इसके लिए है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्टेप में। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में मेरा क्या है। ओके, तो चलिए पहले आते हैं फाइल पे। ठीक है, क्योंकि मेरा जो प्रोजेक्ट है वो बना बनाया हुआ मिला हुआ, जिसले कि क्लैप स्नेयर हेड ये बाय डिफ़ॉल्ट आता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि हमको लेना है न्यू प्रोजेक्ट। ठीक है, तो न्यू प्रोजेक्ट लेने के लिए कहाँ पे जाना होगा, तो हमको फाइल पे जाना होगा। ठीक है, ऊपर देख सकते हैं यहाँ पे दिख रहा है, मेनू में देखेंगे तो मेनू पैनल में दिख रहा है एडिट जो भी हो, मैंने तो ऊपर मेनू है तो मेनू बार, जो मेनू बार है उसको मेनू बार ही बोलेंगे। तो फाइल में चलेंगे मेनू बार के। तो फाइल में जाने के बाद मैं आप लोग को थोड़ा सा जूम करके दिखा दूँ, शायद आप लोग को थोड़ा सा नए होंगे तो प्रॉब्लम आ रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये मेरा फाइल है। ठीक है, जहाँ पे मेरा माउस है। ओके, तो मेरा फाइल है, फाइल पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम चलेंगे न्यू फॉर टेम्पलेट। ठीक है, तो न्यू फॉर टेम्पलेट पे चलने के बाद हमको न्यू बेसिक विथ लिमिटेड नहीं लेना है, क्योंकि लिमिटेड लेंगे तो मेरा ऑलरेडी स्लैक। हम चलते हैं थोड़ा सा मिक्सर पैनल पे, हम दिखा देते हैं। तो ये आज सिर्फ इंटरफेस से दिखाने का। ठीक है, ऐसा नहीं समझना कि मतलब ये टोटल मैं इसी वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा नेक्स्ट करके। ठीक है, ताकि आप लोगों को थोड़ा सिंपल हो जाएगा। ठीक है, तो मिक्सर पे चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम जब हम न्यू बेसिक बेस लिमिटर लेंगे तो उसके साथ मेरा आ जाएगा लिमिटर एट मास्टर में, मास्टर चैनल पे। ठीक है, इसलिए यहाँ पे देख सकते हो, इसको भी थोड़ा सा जूम कर देते हैं। सॉरी तो यहाँ पे हम थोड़ा सा जूम कर देते हैं, जूम इधर यहाँ पे देख सकते हैं लिमिटर लगा हुआ है। ठीक है, और वहाँ पर भी हम देखे थे कि लिमिटर यूज था। ठीक है, तो हमको लेना है बेसिक टेम्पलेट। टेम्पलेट में चलने के बाद यहाँ पे जो इमिटी फोर सेंट है, इमिटी यानी उसमें कुछ खाली रहना चाहिए, कुछ नहीं रहना चाहिए। ठीक है, नथिंग, या आप यहाँ से भी ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यही लेते हैं। यहाँ पे हम जब प्रोजेक्ट ओपन किए थे तो वो प्रोजेक्ट एक बन जाता है, तो उसको आप सेव करना चाहते हैं तो यस कीजिए, नहीं सेव करना चाहते डायरेक्टली आप नो कर सकते हैं। ठीक है, नो करने के बाद अभी आप देख सकते हैं कि जो हमारा मास्टर जो मिक्सर में जो मेरा मास्टर है, ठीक है, जो मास्टर क्या बोलते हैं इसको, मास्टर जो वॉल्यूम है जो यहाँ पे हम लोग मिक्सिंग करते हैं, ठीक है, स्लॉट है, स्लॉट में मेरा कुछ भी यहाँ पे नहीं आया है। ठीक है, जस्ट लाइक आप लोग देख सकते हैं मेरा मास्टर का है, मैंने यहाँ पे कुछ नहीं किया, मैं माउस को लेके जा रहा हूँ, मास्टर मेरा सिलेक्ट है, मास्टर पे मेरा कोई भी प्लगइन या कोई भी एफएक्स या कोई भी कुछ भी यहाँ पे अटैच नहीं है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। ये तो हो गया मेरा बेसिक सा टेम्पलेट, मतलब खाली सा, मतलब यहाँ पे हमको कुछ लेना है, मेरा खुद सा प्रोजेक्ट वहाँ पे बनाना है। अगर आप दूसरे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, क्योंकि वहाँ पे आ जाता है वो दूसरे प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हो, क्योंकि हमको खुद से प्रोजेक्ट क्रिएट करना है तो वो खुद से वहाँ बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए वहाँ पे हम देखे थे कि चैनल रैक, ठीक है, चैनल रैक पे वहाँ पे हेड था, किक था, स्नेयर था और कुछ था चार। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ नहीं, सिर्फ यहाँ पे सैम्पलर बचा हुआ है, क्योंकि हम यहाँ पे एक तो बचे गए, तो यहाँ पे जब हम सैम्पलर को जब खोलेंगे तो कुछ नहीं यहाँ पे देख सकते हैं, कुछ भी नहीं यहाँ पे, हम लोड कर सकते हैं बट यहाँ पे कुछ नहीं। ठीक है, तो इससे हम अगली वीडियो यानी अगली पार्ट में हम बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए आते हैं अब थोड़ा सा ऊपर हिंट्स पैनल के साथ देखते हुए। तो यहाँ पे देख सकते हैं PAT लिखा हुआ है, जूम करके देख लेते हैं। ठीक, ओके, तो यहाँ पे देख सकते हैं PAT जो अभी सेलेक्ट है और नीचे सॉन्ग है। ठीक है,
तो पीएटी मतलब क्या होता है, पैटर्न, ठीक है। पीएटी इज इक्वल टू पैटर्न और सॉन्ग इज इक्वल टू जो मेरा यहाँ पे जो चलेगा, ठीक है। लाइक यहाँ पे हम एक बनाते हैं पैटर्न, सिंपल सा कुछ भी बना लेते हैं। तो चलिए एक क्रिएट करते हैं, कुछ नाम दे देते हैं और यहाँ से एंटर और यहाँ सब करते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप, ठीक है। तो अभी ये मेरा क्या चीज़ में सॉन्ग मोड में है। तो ये जब यहाँ से हम प्ले करेंगे, ठीक है, स्पेस बार से प्ले होगा तो प्ले करेंगे, या आप यहाँ से भी प्ले कर सकते हैं, ठीक है। तो प्ले करते हैं, प्ले करने के बाद ये मेरा सिर्फ प्ले लिस्ट पर जो भी रहेगा सॉन्ग, जो भी सैंपल रहेगा वो चलेगा, ओके। क्योंकि अभी हम यहाँ पर कोई सैंपल नहीं लिया, सिर्फ अभी यहाँ पर हम बता रहे हैं, ठीक है। और जब हम पैटर्न मोड पे कर देंगे तो सिर्फ मेरा पैटर्न पे चलेगा, ठीक है। तो ये मेरा प्ले एंड पॉज का है और ये मेरा स्टॉप का है बटन, ठीक है। जैसे लाइक आप यहाँ पे देख सकते हैं जो मेरा सॉन्ग का जो पोजीशन है अभी यहाँ पे, जब हम इसको स्टॉप करेंगे तो स्टार्ट हो जाएगा, ओके। उसके बाद आता है रिकॉर्डिंग का, आप यहाँ से रिकॉर्ड भी कर सकते हो, ठीक है, कोई भी सॉन्ग, वो भी बताएंगे हम अगले वीडियो में। सिर्फ अभी मैं आप लोग को सैंपल बता रहा हूँ कौन क्या किसके क्या काम है। ये मेरा है टेम्पो का, ठीक है। जस्ट लाइक हम जब पहली बार ओपन करेंगे तो यहाँ पे देखिएगा 130 रहेगा लिखा हुआ, ये मेरा, ठीक है। अब ये मेरा 140, क्योंकि ये बेसिक्स है तो आप यहाँ से कम बेसिक कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आता है कि मेरा मेट्रोनोम, जस्ट लाइक मेट्रोनोम बोलेंगे किसको, जस्ट लाइक पेंडुलम घड़ी देखे होंगे तो उसी तरीका से टिक 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 करता है। चलिए मैं उसका भी एक सैंपल दिखा देता हूँ। तो सैंपल कुछ इस तरीका से रहेगा, सॉरी मेरा ये पार हो गया, चलिए। तो मेट्रोनोम ऑन करते हैं और सॉन्ग मोड में डालते हैं, उसके बाद सुनते हैं कि ये जो मेरा टिक टिक है वो चलता है कि नहीं चलता है, ओके। यानी जब हमारा 140 बीपीएम पे रहेगा, ठीक ना, बीट पर मिनट उसको बोलते हैं। तो बीट पर मिनट क्या होता है इसका समझना होगा। तो बीट पर मिनट इज इक्वल टू जस्ट लाइक 60 सेकेंड में कितना सेकेंड होगा, 60 सेकेंड होगा, ये मैंने एक मिनट में 60 सेकेंड होगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। और यहाँ पे हम बोल रहे हैं बीट पर मिनट, यानी जो मेरा बीट है वो एक मिनट में 140 बार ये टक 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 करना चाहिए, ठीक है। जब हम इसको 60 कर देते हैं, चलिए 60 60 60 60, तो आप लोग देखिएगा कि ये घड़ी की तरह चलेगा, जिसल मेरा टक 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 इस तरह चलेगा, ठीक है। सुन सकते हैं, उसके बाद इसको हम ऑफ कर देते हैं, चलिए इसको जैसा था उसको ऐसा ही कर देते हैं, चलिए। उसके बाद आता है यहाँ पे मेरा है कि जो इनपुट होता है, जिस लाइक क्या बोलते हैं इसको, इसका क्या काम है भाई, इसका तो भूल रहे हैं, सॉरी 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 बेटी, इनपुट, जिस लाइक कोई भी इनपुट डालने के लिए, ठीक है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट होगा, कुछ भी होगा, इसके बारे में बताएंगे अगले बारे में, जो यहाँ पे समझाने का वो बता देते हैं, ठीक है। ये नेक्स्ट है मेरा काउंटडाउन, जस्ट लाइक रिकॉर्डिंग करते हैं, रिकॉर्डिंग समय थोड़ा सा जो 4 स्टेप में काउंट डाउन होता है तो उसके लिए है, ठीक है। कोई भी स्टूडियो में आप लोग देखे होंगे रिकॉर्डिंग करने के दौरान, उसके पहले आप लोग को 4 बार टिक टिक टिक, यानी आपको रेडी करने के लिए, मतलब 1 2 3 4 लेट्स गो, ठीक है, उस तरीका का है। उसके बाद आता है कि ब्लेंडिंग ओवर क्लब रिकॉर्ड, इसके बारे में बताएंगे, चलिए नेक्स्ट वीडियो में, जो जो इंपॉर्टेंट है मैं उसके बारे में बता देता हूँ, ठीक है, जो बेसिक सा आता है। उसके बाद आता है यहाँ पे पियानो, ठीक है, जस्ट लाइक हम लोग कीबोर्ड को पियानो के तौर पे यूज भी कर सकते हैं, चलिए तो उसको भी देख लेते हैं। यहाँ से हम लेते हैं एक सैम्पलर प्लस ले लेते हैं फ्रूटी 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 की, चलिए एक ये बेसिक सा की है, ओके। तो एक ये मेरा बेसिक सा की है और यहाँ पे देख सकते हैं जो मेरा कीबोर्ड है वो सेलेक्ट नहीं है, ठीक है। तो चलिए हम इसको चलते हैं पियानो रोल पे, पियानो रोल पे जब हम चलेंगे तो की का कोई बटन दबाएंगे काम नहीं करेगा, ओके, काम मेरा नहीं करेगा, और इससे जब हम माउस से करेंगे तो काम करेगा। सुन सकते हैं, जब हम इसको ऑन कर देंगे, ऑन करने के बाद अब हम कीबोर्ड से भी काम कर सकते हैं। सुन सकते हैं कि सुनाई दे रहा है, ठीक है। तो ये मेरा हो गया कीबोर्ड का काम।
और ये रहता है नेक्स्ट, इसको बोलते हैं कंटिन्यू। जस्ट लाइक रील देखे होंगे, रील चलते रहता है उसी तरीका से। जब इसको ऑफ कर देंगे तो जो मेरा मार्कर है, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, मार्कर है ये वाला, इसको मतलब ये काउंट डाउन करते रहता है, वो रेगुलर चलते रहेगा। ओके, जब हम इसको ऑन कर देंगे तो वो एक जगह रहेगा, जो मेरा प्ले लिस्ट पर जितना है वो प्ले लिस्ट चलना चालू हो जाएगा, देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं, इसको लोग को छोड़ देते हैं, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पे। और मैं बताऊंगा धीरे धीरे, क्योंकि जो बेसिक तौर पे जो भी यहाँ पे यूज होता है, मैं उसी के बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, ऐसा मत समझ लेना कि मतलब कि ये बात बता रहे हैं, ये नहीं बता रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप आता है कि ये मेरा क्या है यहाँ पे, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये पैटर्न है। ठीक है, ये यहाँ पे से हम न्यू पैटर्न भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो न्यू पैटर्न कैसे क्रिएट करेंगे, तो यहाँ से प्लस पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम कुछ टाइप कर देंगे और इंटर। ठीक है, ये तो हो गया। तो आप बोलिएगा कि जब न्यू पैटर्न किया था इसमें तो बीट तो होना चाहिए ना, तो चलिए बीट भी क्रिएट कर देते हैं। फर्स्ट स्टेप नहीं दे रहा होगा, क्योंकि ये मेरा पियानो रोल पे जब जाएंगे तो भी ये मेरा काम करेगा। ठीक ना, क्योंकि अबे यार चलिए ठीक है। ओके, तो ये मेरा प्लेलिस्ट मतलब सॉरी पैटर्न क्रिएट करने के लिए। नेक्स्ट आता है जो मेरा प्ले व्यू के लिए है, जैसे लाइक इसको हम कर देंगे तो ये हट जाएगा, ऑन कर देंगे तो आ जाएगा। ठीक है, ये मेरा रहा पियानो रोल के लिए, तो इसको देख सकते हैं। ठीक है, उसका आता है चैनल रैक, और ये मेरा मिक्सर चैनल है, और ये मेरा ब्राउजर का है, जैसे लाइक इधर जो साइड में जो रहता है लेफ्ट साइड जो वो। ठीक है, जो भी प्लगइन जहाँ पे हम रखे हुए रहते हैं, सॉरी सैंपल लूप पैक जो भी हो तो उसके लिए। ठीक है, और ये मेरा रहा कि जो हम क्रिएट करेंगे पैटर्न सैंपलर उसके लिए। ठीक है, तो इसको हटने के लिए स्किप का बटन। ठीक है, तो चलिए कुछ इसी प्रकार से था, और जो छूटा वो अगले नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे। ठीक है, तो ये मेरा सिर्फ लूप था, आर्टिफिशियल क्या बोलते हैं इसको, सिर्फ मतलब रिव्यू था स्टूडियो का, जो कुछ बेसिक सब पार्ट था उसके बारे में बता दिए। ठीक है, और देखते हैं कुछ जैसे लाइक यहाँ पे है, तो ये मेरा मास्टर वॉल्यूम है। ठीक है, यहाँ से भी कम कर सकते हैं, या हम मिक्सर चैनल पर जाके यहाँ से भी कम बेसिक कर सकते हैं। ठीक है, और ये मेरा पैनिंग का रहा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे है कि स्नैप टू ग्रिड मतलब कितना चाहिए, उसके बाद है ड्रॉ, जिस लाइक यहाँ से हम सिर्फ एक एक क्लिक करके ही ड्रॉ कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, और ये रहा मेरा पेंट का, जिसले का एक बार हम ब्रश लिए और रगड़ दिए क्या मतलब दीवार पे डाल दिए इस तरह से। ठीक है, और ये रहा डिलीट का। ठीक है, मैं सिर्फ ये फीचर बता रहा हूँ, शॉर्टकट की भी है। ठीक है, ये रहा मेरा म्यूट का, जब इसको करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, थोड़ा सा वीडियो तो लंबा हो रहा है बट कोशिश कर रहा हूँ कि शॉर्ट करने की। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये मेरा क्रॉस है और ये मेरा टिक लगा हुआ है, तो ये मेरा ये म्यूट में है। ठीक है, जब इसको ऑन करेंगे तो अनम्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ओके, उसके बाद आते हैं कि ये मेरा कौन सा है स्लाइस को ऑन करते हैं, सॉरी स्लिप को, और यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, चाहे तो हम शॉर्टकट की से भी यूज कर सकते हैं, बट थोड़ा सा यहाँ पे दिखाने के लिए आप लोग को बता रहे हैं। उसके बाद आता है स्लाइस यानी काटने के लिए, इसको बोलते हैं स्लाइस, इसको काटने के लिए इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से इसको कट कर देंगे, तो ये दो भाग में बढ़ जाएगा, इतना भाग में चाहे उतना भाग में कर सकते हैं। ओके, उसके बाद आता है सिलेक्शन टूल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो क्योंकि सिलेक्ट करने के लिए तो चाहिए ना कुछ नहीं, चलिए सिलेक्ट किए और चाहे तो यहाँ से हम ये रहा इसको करेंगे डिलीट भी कर सकते हैं, या आपने कीबोर्ड के डिलीट कर दिया तो सारा सारा डिलीट हो जाएगा। चलिए हम सबको ले आते हैं। उसका आता है कि मेरा जूम का है, तो चलिए जूम करते हैं। ओके, उसके बाद ये मेरा प्लेबैक, जिसलिए हम इस पर क्लिक करेंगे तो सिर्फ यही टोन बजेगा। ठीक है, सिर्फ यहाँ पे कोई टोन नहीं है बट मैं बता रहा हूँ समझाने के लिए। ओके, ये मेरा प्ले का बटन है, चाहे यहाँ से भी क्लिक कर सकते हो या आप यहाँ से भी क्लिक कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आता है अरेंजमेंट,
तो यहाँ से आप क्लोनिंग भी कर सकते हो। ओके अरेंजमेंट टू, और यहाँ पे देखते हैं कि मेरा अरेंजमेंट टू आया या नहीं आया। ठीक है, तो सॉरी। ओके चलिए देख लेते हैं। ओके कुछ इस तरीका से मेरा रहेगा अरेंजमेंट टू अरेंजमेंट वन, देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप बता सकते हैं कि कुछ जूमिंग जूम आउट करके, जिस लाइक हम इतना जूम करते हैं कि ये मेरा अरेंजमेंट वन पे रहेगा, अरेंजमेंट टू पे इतना रहेगा। ठीक है, तो इस तरीका से, ऐसा तो कुछ इसमें है कुछ खास नहीं है फीचर। नेक्स्ट आते हैं कि इसमें आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पे जिस डाले यहाँ पे देख सकते हैं, इधर ये भी जूम कर देते हैं। यहाँ पे दो मेरा सैंपल जिस लाइक यहाँ पे हम क्रिएट किए हैं पैटर्न, फर्स्ट एंड सेकंड, तो इधर भी मेरा फर्स्ट एंड सेकंड है। फर्स्ट और सेकंड, सेकंड में कौन सा, इसको चलिए आउट होते हैं यहाँ से और इसको पेंट सेलेक्ट करते हैं और देख सकते हैं। ओके उसके बाद यहाँ से करेंगे तो ये मेरा ये रहेगा। ओके तो फ्रेंड्स यही था सिर्फ बेसिक सा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, फिर नेक्स्ट संडे शाम 4 बजे। तो जब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।